वेलकम टू माई चैनल वेलफेयर बाय होम। तो आपको पता होगा अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी 7:30 अराउंड हो गए, तो अभी हमने ऑटो बुलाई है इधर, तो हम सामान लोड करते हैं फिर स्टेशन जाके आपको मिलते हैं। अभी हम देख सकते हैं आप, इधर हम स्टेशन आ गए। अभी हमारी ट्रेन कब आएगी देखते हैं। लाइक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हमेशा लेट ही होती है, बट देखते हैं। ओ ये भी बंद ही है। लाइक ये कभी कभी चालू होता है, कभी कभी बंद होता है। आज बंद था अनफॉर्चुनेटली। प्लेटफॉर्म 2 पे जाना है हमें। अभी ट्रेन का बोर्ड तो लगा नहीं है फिलहाल, अभी देखते हैं ट्रेन आने के बाद आपको दिखाते हैं। हम इधर स्टेशन आ गए, वहाँ पे आप देख सकते हो इधर हमारी ट्रेन का टाइम लगा है। इधर टाइम नहीं, नंबर आया वैसे तो B4। तो अभी पूरे स्टेशन पे सब साउथ इंडियन लोग ही है, क्योंकि वीक में एक ही बार चलती है वो ट्रेन। तो सबको घर जाना होगा क्योंकि दिवाली भी आ गई है, छुट्टी है पूरी। और इधर मम्मी पापा, इधर हमारा सामान ये रहा। आप देख सकते हो हमारी ट्रेन आ गई है, बहुत धीरे धीरे आ रही है क्योंकि स्टॉप करना ही है वैसे तो। एंड या फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे अभी। हमारा है B4 इधर, कुछ इधर ही होगा 30-40 के बीच में। गाइज अभी हम चिपलुन आ गए हैं। ये शायद महाराष्ट्र में ही आता है, अभी इसके बाद रत्नागिरी आएगा। तो अभी बहुत कितना टाइम हो गया होगा, अराउंड 6-7 घंटे हो गए होंगे हमारे हमको ट्रेन में। अभी देखते हैं, अभी रत्नागिरी आएगा, 10 मिनट का हॉल्ट के बाद में उतरेंगे तब। फिलहाल आप व्यू देखिए। जैसे कि आपने देखा ये काफी फोर शायद से
तो हम कौन से जगह पे हैं अभी? ये है, जगह का नाम तो नहीं दिख रहा बट बहुत ही अच्छी जगह है, आप व्यू देखिए इधर का। बहुत ही अच्छी जगह है बट ट्रेन कुछ ज़्यादा ही लेट है, ये समय पे रत्नागिरी के आगे होने चाहिए थे बट बहुत ही स्लो है रत्नागिरी को, अभी शायद 30 किलोमीटर्स है, देखते कब तक पहुँचते हैं। एंड फिलहाल ट्रेन में तो लाइक ठीक ही है, एसी भी थोड़ा स्लो है बट रात को तो शायद स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि अभी ट्रेन इतना रुकी रही है, दरवाज़ा भी इतना खुल रहा है तो शायद एयर फ्लो बाहर जा रहा होगा उसका, बट कोई नहीं। लाइक ये व्यू तो ज़ोरदार, मैं अभी कुछ थंबनेल के लिए फ़ोटो निकाला हूँ इधर। एंड ये स्टेशन भी देख सकते हो आप, रत्नागिरी स्टेशन पे आ गए आप देख सकते हो, बहुत ही लंबा हॉल्ट है इधर, वैसे हर स्टेशन पे रुक रहा था बट इधर तो बना ही हुआ है हॉल्ट तो इधर रुका है स्टेशन। अब स्टेशन देखिए इधर, यहाँ पे 5 बजे पहुँचने वाली थी ट्रेन बट अभी कुछ 7 o'clock हुए, 2 घंटे लेट है। अभी होप्स हो कि कल टाइम पे पहुँच जाए एर्नाकुलम जहाँ हमें जाना है, 12:30 को अराउंड पहुँचने वाले हम, अभी 2 घंटा लेट है तो देखते कब तक पहुँचते। वैसे कैमरा में कैप्चर तो होगा नहीं बट बादल भी बहुत अच्छे दिख रहे इधर। तो अभी हम कुछ डिनर करते हैं और आपको बता दे क्या खा रहे हैं। तो गाइस फाइनली इधर आप देख सकते हो, इधर गोवा आ गया हूँ मैं, बड़ी दिल की तमन्ना थी इधर आने की। अरे मेरे पापा इधर पीछे खड़े, 2 मिनट का ही स्टॉप है बट आगे मडगांव आएगा वो शायद से उधर 10 मिनट रुकेगा, बट गोवा तो पहुँच गए। अभी आगे कर्नाटक आएगा फिर जाके केरला, तब तक तो शायद सो जाऊंगा इसलिए अभी उतर गया कि गोवा आना था कभी। 2 मिनट लगा था, 10 मिनट ज़्यादा ही हो गए वैसे तो, कुछ दिखाने के लिए भी है नहीं वैसे तो, इधर पूरा काला काला ही है अंधेरा। हाँ सामने का व्यू देखिए तब तक आप। ओ ये हमारी ट्रेन स्टेशन, लाइक प्रॉपर गोवा तो नहीं है बट शायद नहीं, ट्रेन निकल रही है। वो सिग्नल जब ग्रीन या फिर येलो होगा तब ट्रेन जाती है, ऐसा देख लिया है मैंने आज तो। वो तरफ को ट्रेन जा रही है, शायद निकलेगी ये ट्रेन क्योंकि वो ट्रेन आने के लिए ये ट्रेन रुकी होगी। लाल भाई अजम्पशन है, चलते अंदर। Early the next morning.
कोजी कोड ऐसे करिए कोई स्टेशन है, वी हैव ब्रेकफास्ट लिया हमने एंड आपको स्टेशन दिखाता हूँ। Moments later. Finally, Ernakulam station आ गए। आप देख सकते हो इधर। इधर भी ट्रेन है, बहुत बड़ा जंक्शन है। Ernakulam मतलब कोची, कोची वही सेम Ernakulam है। अभी फिलहाल देखते हैं, ट्रेन 45 मिनट्स लेट थी। अभी हमने ड्राइवर को बोला ये ब्लॉग को फिलहाल इधर ही एंड करते हैं। दूसरे ब्लॉग में हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।